चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो हमारा लेसन है अमित फील्स लाइक दिस, जो कि ग्रेड थर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का है, इसमें हमने NEP 2020 के कौन कौन से डोमेन्स और क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने हमारा प्रीवियस लेसन है फेसेस एंड फीलिंग्स, इसमें बच्चों को हमने नए वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाए थे किस तरीके से हम हमारे फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरीके से इस लेसन में सामने वाले के हमने साथ में कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ वाक्यात हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमको बताना है कि वो क्या फील कर रहा है। सो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चे को जो जरूरी चीज़ है वो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सामने वाले की फीलिंग के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे इन लेसन्स को बनाने के लिए, जिसके लिए हमने NEP 2020 से लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट के साथ साथ सोशियो इमोशनल एंड इथिकल डेवलपमेंट, इन दोनों डोमेन्स को हमने पिक किया है, इन दोनों को इम्प्लीमेंट किया है ताकि बच्चों में ये दोनों डोमेन्स का डेवलपमेंट हो सके। इसको सिखाने के लिए बच्चों को हमने अलग अलग पहले तो रिवाइज किया है, करवाया है कि हम लोगों ने कौन कौन से जो वर्ड्स थे जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया थे या फिर उसके साथ में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, और सेकेंड पार्ट में हमने बच्चों को वो प्रैक्टिस करवाई है कि किसी के हाथ में कुछ हो रही है तो वो क्या फील कर रहा है।